कभी कभी लोग क्या कहते हैं, अरे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, ये तो वो बात नहीं है इसमें। मतलब हम भी खुद कभी प्लान शो करने जाते हैं तो थोड़ा शर्माते हैं, थोड़ा संकोच करते हैं कि अरे लोग क्या बोलेंगे। मुझे तो गर्व होता है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करती हूँ। क्या आपको भी होता है? अगर होता है तो चैट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि यहाँ से सिर्फ आप मेरी बात नहीं सुन रहे, हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और बातचीत से समाधान निकलता है। शायद आप आज आपकी जिंदगी का कोई ऐसा समस्या हो जिसका समाधान आज आपको मिल जाए। तो क्यों करना है हमें? सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि क्यों करना है। मेरा ये मानना है कि मैं और मेरा परिवार, यानी आप और आपका परिवार, डिजर्व करता है एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक अच्छी लाइफस्टाइल। अब हेल्दी का मतलब क्या है? हेल्दी का मतलब है कि आपकी हेल्थ बनी रहे, आप बीमार ना पड़े, आप अच्छा खाना खाएं, आप पौष्टिक चीजें खाएं, आप शुद्ध चीजें खाएं। तो आप सब कह रहे होंगे, मैम ये तो हम कर ही रहे हैं, और अब जब किसान जो उगाएगा तो हमारे हाथ में तो है नहीं कि हम कैसा खाएं। लेकिन हाँ, आपके हाथ में बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम कभी सोचते नहीं हैं। जो सबसे ज्यादा यूज होता है हमारे घर में, हमारा ऑयल, हम कभी सोचते नहीं। हम सोचते हमारे यूजुअली क्या है, कौन सा सस्ता वाला है वो देखें, थोड़ा इसमें क्या तेल से क्या फर्क पड़ेगा, इसको सस्ते वाले को ले आते हैं। फ्रेंड्स, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, एक नोट कीजिए, एक यूट्यूब पे एक वीडियो है जिसमें CSE ऑयल रिपोर्ट है, CSE ऑयल रिपोर्ट, जो हमें ये बताता है कि हमारे तेल में क्या मिला हुआ है, जिसे हम शुद्ध समझ के खा रहे हैं, जिसे हम प्योर समझ के खा रहे हैं, क्या वो वाकई में शुद्ध है? क्या वो वाकई में प्योर है? अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे कि मैं आपको जहर बेच रही हूं, आप कितने रुपए में खरीदेंगे उसे? बहुत मिनिमम में बेच रही हूं, एकदम फ्री में दे दूं, खरीदेंगे? 1 रुपए, 2 रुपए फ्री, 50 पैसे में ले लो, ले लो यार, फ्री में मिल रही है। वैसे भी हमें आदत है फ्री में चीजें खरीदने की, नहीं खरीदेंगे ना? लेकिन हम ऐसा कर रहे हैं। आप बोलेंगे कैसे? तो जो ऑयल हम मार्केट से खरीद के लाते हैं, आप कभी उसका रैपर पलट के देखिएगा, उसमें लिखा हुआ रहता है कि इसमें क्या-क्या मिला हुआ है। हम इन चीजों को ध्यान नहीं देते, हमें लगता है ठीक है सस्ता मिल रहा है ना, 100 रुपए, 110 रुपए किलो, 120 रुपए किलो तेल मिल रहा है, क्या लीटर तेल मिल रहा है, क्यों हम पीछे का रैपर पलटे? लेकिन वो एक तरीके का जहर हम अपने परिवार को दे रहे हैं। हमें आज ही निश्चित करना पड़ेगा कि हमारा परिवार डिजर्व करता है हेल्दी लाइफ, हमारा परिवार डिजर्व करता है एक स्वस्थ जिंदगी, जो हमें तेल दे सकता है, जो मार्केट के तेल हमें नहीं दे सकते, जो हमें हेल्थ गार्ड दे सकता है। आपको पता है मार्केट के तेल में आप रैपर पलट के देखेंगे तो उसमें पाम ऑयल मिला हुआ होता है। हम ये चीजें नोट नहीं करते, हम ये चीजें चेक नहीं करते, हमें लगता है ठीक है मिल रहा है, हमें खरीदना है और खाना तो है। आप हेल्थ गार्ड यूज करना चालू करेंगे, आपकी 80% घर की बीमारियां ठीक होने लग जाएगी। तो क्या हमारा परिवार डिजर्व नहीं करता एक हेल्दी लाइफस्टाइल? यस और नो बताइए मुझे, क्या आपका परिवार डिजर्व करता है एक हेल्दी लाइफस्टाइल? यस तो क्या आज एक डिसीजन, हम बिजनेस का डिसीजन बाद में करेंगे, हम अभियान का, ये एक अभियान है लेकिन हम उसका डिसीजन भी बाद में करेंगे, पहले इसका तो डिसीजन कर ले कि क्या हमारा परिवार हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए कि नहीं चाहिए हमारे परिवार को, क्या हमारे परिवार को स्वस्थ जिंदगी चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो आज एक निर्णय कीजिए कि आज के बाद से मेरे घर में कभी भी कोई भी दूसरा तेल नहीं आएगा। पहला निर्णय, शुद्ध प्रोडक्ट्स। कौन गारंटी देता है कि आप बाहर के जो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं वो प्योर हैं?
हल्दी, मिर्ची, धनिया, आटा, आप गारंटी ले सकते हो। इवन कंपनी भी नहीं ले सकती, क्योंकि बीच में इतने सारे लोग आ जाते हैं कि जिसकी वजह से कंपनी भी ये गारंटी नहीं देती, क्या पता लोग बीच में पलटा दे तो। लेकिन आरसीएम दे रहा है ना आपको। आप फैक्ट्री विजिट कीजिए, आपको बिलीव नहीं होता है कि सही में हल्दी, मिर्ची, धनिया इतना प्योर बन सकता है, तो आप आइए भीलवाड़ा, आप फैक्ट्री विजिट कीजिए कैसे हल्दी बनता है। आप आटे की फैक्ट्री विजिट कीजिए, लोग बोलते हैं हम घर में गेहूं धोते हैं, हम तो प्योर गेहूं सेलेक्ट करके लाते हैं मैम, और उसको घर पे धोते हैं, घर पे सुखाते हैं और फिर पिसवाने भेजते हैं। एक बार आप आटे की फैक्ट्री विजिट कर लोगे ना, आपके सारे भ्रम दूर हो जाएंगे कि हम कितना घर में प्योर धो पाते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, अभियान करेंगे बाद में, लोगों तक जाएंगे बाद में, पहले अपने परिवार को तो स्वस्थ करें। तो आज एक संकल्प कौन कौन कर रहा है कि मेरा परिवार एटलीस्ट ये तो डिजर्व करता है कि हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए मुझे। कितने लोग ऐसा संकल्प कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, वेल डन, वेरी गुड। क्योंकि आज आपने जो डिसीजन लिया, कल पर मत डालिएगा, आज जो आपने डिसीजन लिया वो ही पक्का होगा, क्योंकि कल कभी नहीं आता दोस्तों। कोई भी दुकान में आप जाते हो तो दुकानदार क्या बोलता है, आज नगद कल उधार। फिर आप अगले दिन जाएंगे तब भी उसके बोर्ड पे लिखा हुआ रहता है आज नगद कल उधार, इसलिए कल कभी नहीं आता है, तो डिसीजन आज लेना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, निर्णय आपको लेना है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं और मेरा परिवार, यानी आप और आपका परिवार, डिजर्व करता है एक स्ट्रेस फ्री लाइफ। फ्रेंड्स, आज कर्ज का बोझ, पहले महीने की जब सैलरी आती है तो ये डिसाइड करना पड़ता है कि आज इस महीने कितना खर्च करना है। अरे इस बार ये बिल पे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आजकल ईएमआई का सिस्टम तो इतना इजी हो गया है लोगों के लिए कि लोग ईएमआई के चक्कर में क्या-क्या नहीं खरीद लेते, लेकिन बाद में उस ईएमआई को पे करने में उनकी पूरी जिंदगी, पूरी दांव लग जाती है। हम एक टूर पे गए हुए थे, बिजनेस टूर पे, वहां पे हम गुजर रहे थे, हमने एक जगह पेट्रोल भराया कार पे। मैंने वहां क्या देखा पता है, जो कार में पेट्रोल भर रहा था ना व्यक्ति, उस व्यक्ति के हाथ में कौन सा फोन था आपको पता है? एप्पल, आईफोन यस, आईफोन। एंड आई वाज शॉक्ड, मैं एकदम दंग रह गई कि ये ईएमआई आज की दुनिया में हम आम आदमियों को किस तरीके से लूट रहा है, किस तरीके से जाल में फंसा रहा है। हम इसके चंगुल में आ जाते हैं और सिर्फ पे करने के टाइम हमारी हालत खराब हो जाती है। एक व्यक्ति बाइक तो खरीद लेता है, लेकिन जब उसके इंस्टॉलमेंट्स पे करने की बारी आती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं हो पाते हैं तो बैंक वाले आके बाइक ले जाते हैं। कितना स्ट्रेस रहता होगा सोचो आप। क्या आपको और आपका परिवार डिजर्व नहीं करता एक स्ट्रेस फ्री लाइफ? पैसे कब आएंगे, कितना पैसा आएगा, कितना खर्च करूं? अरे इस महीने बच्चे ने डिमांड किया था लेकिन मैं तो पूरा नहीं कर पा रहा हूं। क्या इससे आपको मुक्ति नहीं चाहिए? क्या आपको बहुत अच्छा लगता है कि हर दिन छोटी छोटी चीजों के लिए घर में झगड़े हो? होते किस वजह से है? पैसों की वजह से, पैसे की कमी की वजह से, पैसों की वजह से नहीं, पैसे की कमी की वजह से होते हैं। क्या आपका और आपका परिवार डिजर्व नहीं करता है कि ऐसी स्ट्रेस लाइफ नहीं जीनी उनको? एकदम रिलैक्स्ड, अच्छी शांतिपूर्ण जिंदगी जीनी है। क्या डिजर्व करता है आपका परिवार ऐसा?
क्या चाहिए आपको भी एक सुखद जिंदगी जहां पे पैसों के लिए कोई टेंशन नहीं हो, जहां पे मुझे कैसे खर्च करना है। एक बच्चा, एक जैसे दिवाली आने वाली है, अभी होली चली गई है, बड़ा फेस्टिवल क्या आ रहा है, दिवाली, बच्चों की क्या डिमांड रहेगी, बहुत सारे पटाखे और नए नए कपड़े। लेकिन जब दिवाली पास आने लगती है तो हमारे दिल धड़कने बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमें सोचना पड़ता है कि इस महीने मैनेज कैसे करूं, करना पड़ता है। कभी अचानक से कोई खर्चा आ जाता है घर पे, कभी किसी की तबीयत खराब हो जाती है, कभी घर में शादी हो जाती है, उसके लिए पैसे जुगाड़ करने के चक्कर में हमें बहुत सारी चीजों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, त्यागना पड़ता है कि इस महीने ये खर्चा नहीं करते, कैसे भी काम चला लेते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं ऐसा? क्या आपका परिवार, क्या आपका बच्चा वो सपना नहीं देखता होगा कि एक दिन मेरे पिताजी वो आएंगे और बहुत सारे कपड़े मुझे दिलाएंगे, बहुत सारे फटाके मुझे दिलाएंगे? क्या आपकी वाइफ ये नहीं सोचती होगी कि मेरा हस्बैंड एक दिन आए और ये बोले कि चल आज जो साड़ी पसंद है वो खरीद ले, चाहे वो 10,000 की क्यों ना हो? क्या आपके हस्बैंड ये नहीं सोचते होंगे कि काश एक दिन ऐसा भी तो आए कि हर बर्थडे पे मैं ही उसे गिफ्ट देता हूं, मेरी वाइफ भी मुझे गिफ्ट करे? हम वाइफ्स ही क्यों वेट करती रहती है हस्बैंड्स का कि वो गिफ्ट दे? क्या हम महिलाएं नहीं कर सकती इतना? जब झांसी की रानी इस देश की आजादी के लिए लड़ सकती है, तो क्या हम अपने परिवार के आर्थिक आजादी के लिए नहीं लड़ सकते? सोचिएगा आज इस बारे में थोड़ा सा। ये मीटिंग खत्म होने के बाद अपने आप को एक कमरे में बंद करके इस बारे में जरूर से सोचिएगा कि अभी तक जो मैंने किया, तो जितना किया उतना मुझे मिल गया, अगर मुझे इससे ज्यादा चाहिए तो मुझे ज्यादा करना पड़ेगा, नए रास्ते अपनाने पड़ेंगे जिनको हम इग्नोर करते हैं, जिन्हें हमें लगता है कि नहीं। हमारी सिचुएशन कैसी है फ्रेंड्स, पता है? मैं ये कहानी सुनाती हूँ बहुत जगह पे, और सुनाने से पहले माफी भी मांगती हूँ कि प्लीज इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन ये हमारी रियल स्टोरी है, हमारी, मैं अपने आप को भी इसमें इंक्लूड कर रही हूँ, तो ये मत सोचिएगा कि ये कहानी आपकी है खाली। हमारी जिंदगी कैसी है पता है? एक आदमी और एक उसका पेट डॉगी दोनों टीवी देख रहे थे, बड़े मजे से, डॉग्स भी देखते हैं टीवी। वो डॉग जहां पे बैठा था हर थोड़ी थोड़ी देर में आवाज निकाल रहा था, पू 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 पू। 10 मिनट गुजरता तब तक ठीक, फिर 10 मिनट बाद फिर आवाज आने लग जाती, ऐसा कर रहा था बार बार। तो बेचारा आदमी भी परेशान, उसका मालिक की क्या हो गया, ऐसे देखूं तो सही। उस आदमी ने उस डॉगी को उठाया और उस जगह को चेक किया जहां पे वो बैठा था कि कोई प्रॉब्लम है क्या इस जगह पे। तो उस आदमी को पता चला कि हाँ, इस जगह पे एक छोटी सी कील निकली हुई है। अब वो कील जब उस डॉगी को चुभती तो वो थोड़ी आवाजें करता, और जब वो सेटल हो जाता तो आवाजें बंद हो जाती, फिर अगर उसका एडजस्टमेंट थोड़ा हिलता तो फिर कील चुभती और फिर आवाजें करता। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, जब हमें थोड़ी सी तकलीफ आती है, थोड़ी सी मुश्किल आती है, तो हमें आरसीएम जैसा प्लेटफॉर्म याद आ जाता है, और फिर आरसीएम से थोड़ा बहुत आने लग जाता है ना, तो हम फिर वो सेटल हो जाते हैं उस जगह पे और फिर चुप हो जाते हैं। फिर 2-3 महीने बाद फिर थोड़ी सी पैसों की दिक्कत आती है, तो हमें याद आता है कि हमें आरसीएम करना चाहिए, थोड़े पैसे आ जाएंगे एक्स्ट्रा। हम कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते हैं, और ये कंसिस्टेंसी का बिजनेस है। तो आज एक डिसीजन लीजिए, ये छोटी छोटी जो किल्लतें हैं ना, ये जो स्ट्रेस बार बार आता है ना, हर जब थोड़े दिनों में स्ट्रेस आता है ना पैसे का, तो हम आरसीएम की तरफ देखने लग जाते हैं, फिर आरसीएम से कुछ पैसे आ जाते हैं, स्ट्रेस को हटाते हैं कुछ दिनों के लिए, फिर शांत हो जाते हैं, है ना? आप खुद रियलाइज कीजिए, मुझे जवाब मत दीजिए, अपने दिल पे हाथ रख के अपने आप को जवाब दीजिए, क्योंकि आपको आपके परिवार के लिए करना है, मेरे लिए नहीं करना है, ना आपके अपलाइन के लिए करना है, ना आपके डाउनलाइन के लिए करना है, ना आपको किसी और के लिए करना है। सबसे पहले आपको आपके परिवार के लिए करना पड़ेगा, तब आप देश के लिए कर पाओगे।
क्या हमारा और मेरा परिवार, यानी आपका और आपका परिवार, क्या डिजर्व नहीं करता है एक लग्जरी लाइफ? लग्जरी का मतलब पता है? मैं कभी कभी लोगों से पूछती हूँ लग्जरी क्या होता है, बोले मैम होता है ठीक है, लेकिन वो आदतें अच्छी नहीं होती, लग्जरी लाइफस्टाइल वाली आदतें ना बहुत अच्छी नहीं होती। कैसे? तो कुछ लोग बोलते हैं मैम आपको पता है ज्यादा देर एसी में नहीं रहना चाहिए, आदत खराब हो जाती है, हेल्थ खराब हो जाती है। ठीक है मैं मानती हूँ कि थोड़ा कम रहना चाहिए, लेकिन ऐसे गर्मी में भी नहीं रहना चाहिए। हम क्यों ये एक्सक्यूजेस लगाते हैं पता है हमें? क्यों? तो हमारी जेब ही अलाउ नहीं करती है, तो हम एसी लगाएंगे कहाँ से? लोग बोलते हैं बाइक में चलो बढ़िया हवा आती है ताजी ताजी, क्यों कार में जाना? कार के विंडोज भी बंद कर लो, फिर उसके अंदर एसी चालू कर लो, भले ही बाइक में 4 लोग लटक के जाएंगे। पहले तो कैरियर भी लगता था पीछे, आजकल लोग कम लगाने लगे, पीछे कैरियर लगता था, कैरियर को खोलो उसमें 2 लोग और बैठ जाएंगे। हम बाइक को एक कार बना लेते थे, क्यों? क्योंकि हमारी पॉकेट एफर्ट नहीं कर पा रही है ना कार को। क्या आपका परिवार डिजर्व नहीं करता एक ऐसी लाइफस्टाइल जिसमें सारी लग्जरी हो, जहां पे एक ऐसा घर हो जहां पे सारी सुख सुविधा हो? हमने 3 साल पहले अपना घर खरीदा रायपुर में, लगभग 2 करोड़ का घर, 2020 में। 2020 से कुछ याद आ रहा है? एक ऐसा वक्त जब बहुत ज्यादा लोग डरे हुए थे पैसों के लिए, काम के लिए, हेल्थ के लिए। सर को भी बहुत सारे फ्रेंड्स ने समझाया कि भैया अभी तू पैसे खर्च मत कर, तूने कमाए बहुत अच्छी बात है, उसको बचा के रख, अभी क्या पता आगे क्या होगा। सर ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, सचिन सर ने। सर ने मन ही मन कहा कि इसकी चिंता तो मैंने 2002 में चालू कर दी थी, इसलिए तो आरसीएम किया था। कोरोना के वक्त जब हमने अपना घर खरीदा तो लोग बड़े आश्चर्य में थे कि इस वक्त ये कोई समय है खरीदने का। फ्रेंड्स वो सिक्योरिटी जो आज कोरोना के वक्त हमें मिली, उसकी मेहनत हमने 2002 में सचिन सर ने चालू कर दी थी। आज आपको मौका मिल रहा है, क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि कोरोना जैसा कोई भी ऐसा काम वापस नहीं आएगा, ऐसी तकलीफ वापस नहीं आएगी? अगर आएगी तो क्या आपके पास कोई स्टेपनी तैयार है जो आपको सिक्योरिटी दे सकता है, आपके परिवार को सिक्योरिटी दे सकता है? आज हमारा 7 बेडरूम का घर है, 7 कमरों का, हमने स्टूडियो रूम अपने घर पे बनाया है, सारी लग्जरी है। क्यों हो पा रही है? क्योंकि सर ने उस दिन डिसीजन लिया था कि इसको मुझे मेरे परिवार को देना है, सारी लग्जरी मेरे परिवार के पास होनी चाहिए। मैं कभी कभी लोगों से जब मिलने जाती हूँ, बातचीत करती हूँ, तो उनसे पूछती हूँ कि आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं। बहुत सारे स्कूल्स के नाम बताते हैं, मैं उनसे एक ही सवाल करती हूँ, क्या आपके बच्चे उस शहर के सबसे बड़ी स्कूल में पढ़ रहे हैं? तो लोग बोलते नहीं मैम नहीं पढ़ रहे। मैंने बोला क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? अच्छा कुछ लोगों का क्या कहना होता है कि ज्यादा बड़े स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहिए, हवा लग जाती है बच्चों को। हवा नहीं लगती फ्रेंड्स, बड़ी जगह पे बड़े स्कूल में माहौल मिलता है बड़ी सोच का। हम नहीं दे पाते तो हम अपने आप को एक्सक्यूज देते हैं क्योंकि हमारी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है। हम इसीलिए नहीं बोल पाते हैं, हमें लगता है नहीं नहीं हमारे बच्चे यही छोटी स्कूल में ठीक है, राइट? ये एक्सक्यूजेस हम किसे दे रहे हैं? खुद को, अपने आप को। क्या आपकी आपके बच्चे बेस्ट टू बेस्ट स्कूल में जाने का डिजर्व नहीं करते? हम जब होटल में खाना खाने जाते हैं, आप पता नहीं जाते हैं नहीं जाते हैं, जाते भी होंगे बहुत सारे लोग, कभी कभी तो जाते ही, हर परिवार जाता है, तो हम मेनू कार्ड में, जब होटल वाला मेनू कार्ड देता है, तो हम क्या देखते हैं? सब्जी का नाम की रेट, अच्छा डेफिनेटली रेट रेट ही देखते हैं। रेट मैम क्यों? क्योंकि हम देखते हैं यार जो भी कम में है वो मंगा लेते हैं, क्योंकि अभी पॉकेट उतनी अलाउ थोड़ी करेगी, भले ही 500 की सब्जी क्यों ना वो मंगा ले।
क्या एक दिन आप ऐसा नहीं चाहते कि आपका परिवार जाए वहां पे और आप उन्हें बोले, चिंता मत करो कि कितने पैसे लगेंगे, तुम्हें जो खाना है वो खाओ। ये लग्जरी है फ्रेंड्स, लग्जरी का मतलब है जो भी इस दुनिया में बना है वो सब आप हासिल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अच्छा, ये तो हुई हमारी परिवार की बातें कि हमें और हमारे परिवार को ये सारी चीजें चाहिए और होनी चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल होनी चाहिए, लग्जरी लाइफ होनी चाहिए, लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या आप डिजर्व नहीं करते हो एक रिकग्निशन, एक नाम, एक पहचान पूरे हिंदुस्तान में? जब ऊपर वाले ने हमें बनाया, इतना अनोखा बनाया, इसीलिए बनाया कि आप इस दुनिया में कुछ कमाल करिए, अपनी पहचान बनाइए। अच्छा, आपको अच्छा नहीं लगेगा जब आप किसी शहर में जाओ, लोग आपका स्वागत करें, मालाओं से स्वागत करें, आपको एकदम सराखों पे बैठाएं, आपकी लोग बातें सुने, क्या आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? हर व्यक्ति को अच्छा लगेगा। ये सिस्टम आपको मौका देता है अपनी पहचान बनाने का पूरे हिंदुस्तान में। क्या आप भी चाहते हैं ऐसा करना? अगर ये सारी चीजें आपको चाहिए तो मैं आपका स्वागत करती हूँ आरसीएम में, मैं आपका वेलकम करती हूँ आरसीएम में। आइए, आप, आपके परिवार को और आप खुद को ये सारी चीजें उपलब्ध कराएं, यानी हेल्दी लाइफस्टाइल दे, स्ट्रेस फ्री लाइफ दे, लग्जरी लाइफ दे और अपनी एक पहचान बनाए। ये तो बात हो गई कि क्या मिल सकता है और क्यों करना है। टॉपिक आता है कैसे करना है, जानना चाहेंगे कि करना कैसे है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे चीजें लोग एक्सक्यूज बनाते हैं, हम सब बनाते हैं। जब हमारे पास पहली बार अपॉर्चुनिटी आई थी तो हमने भी बनाया था कि मेरे पास तो टाइम नहीं है। मैम, इतना टाइम तो है ही नहीं। आज आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी। लोग बोलते हैं टाइम मैनेज करो, टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रायोरिटी मैनेज करो। क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए? क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे क्या चल रही है जिंदगी, कट रही है, दो टाइम की रोटी मिल जाती है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये इंपॉर्टेंट है कि आने वाले 2 से 5 साल में कड़ी मेहनत करूं और अपने परिवार को एक खुशहाल जिंदगी दूं, हेल्दी लाइफस्टाइल दूं? क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए? प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए फ्रेंड्स। हम प्रायोरिटी डिसाइड नहीं करते इसलिए हमारे पास टाइम नहीं रहता है, इसलिए हम एक्सक्यूज बनाते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि मेरे पास तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। तो आज डिसाइड कीजिए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। आपके परिवार को खुशहाल, हेल्दी, स्ट्रेस फ्री लाइफ देने की प्रायोरिटी है आपकी, कि जैसी जिंदगी कट रही है वैसी प्रायोरिटी है आपकी? जो है वो डिसीजन आपको करना है। मैं तो सिर्फ आपको एक रास्ता देने आई हूं, वो एक धक्का लगाने आई हूं। डिसाइड कीजिए आज कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, उसके बाद वो प्रायोरिटी को लिखिए और उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा रोजमर्रा की जिंदगी में, उसे लिखिए रोज, डेली। महिलाओं के पास बहुत बड़ा एक्सक्यूज होता है, मैम हमारे पास तो बिल्कुल भी समय नहीं है, घर के काम में ही पूरा समय चला जाता है, तो आप बोलते बिजनेस करो कैसे करें? जो 2 घंटा गप्पों में लगाते हो ना, इवन पुरुष भी जो 2 घंटा टाइम पास लोगों से बातचीत करने में लगाओ, बातचीत करो, लेकिन क्या बात करनी है? आरसीएम के बारे में बात करो। बाहर की दुनिया बात करने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, लेकिन हाँ, आरसीएम की बात करोगे और लगातार करोगे, निरंतर करोगे, तो आपकी जिंदगी जरूर बदल जाएगी। कर सकते हैं टाइम को मैनेज?
कर सकते हैं प्रायोरिटी डिसीजंस, क्या मुझे मेरे लिए प्रायोरिटी क्या रखता है, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है अपनी जिंदगी में, मैं किसके लिए काम करूं। दूसरा, काम जो हमें करना पड़ेगा, नहीं करने से नहीं चलेगा, दैट इज ड्रीम बिल्डिंग, ड्रीम्स की लिस्ट बनाना। आप बोलेंगे मैम ड्रीम की लिस्ट कोई बनती है? यस बनती है, तभी वो हासिल कर पाते। कम से कम 100 सपने लिखिए अपनी कॉपी में। बोले मैम 100 सपने? मैंने तो आज तक सोचे नहीं 100 सपने। हाँ, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े। घर में अगर नई टीवी भी लेनी है, एलईडी टीवी लेनी है, तो वो भी एक सपना है। घर में फ्रिज लेना है, वो भी एक सपना है, उसे लिखिए। हम नहीं लिखते छोटे छोटे सपने, हम लिखते हैं कार, घर, ये सब भी तो सपने हैं, इनको लिखिए। और आपको पता है, जब आप 100 सपने लिखने निकलेंगे ना, आप 100 सपने एक दिन में नहीं लिख पाएंगे, लेकिन हाँ, लिखते 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 आपके कुछ छोटे मोटे सपने पूरे भी होने लग जाएंगे, आप निरंतर आलस्य करेंगे। दिवाली आ रही है, दिवाली आ रही है, क्या इस इस बार अपने परिवार को देना चाहते हो इस दिवाली पे? लिखो उसका सपना। बच्चों के लिए कितनी ड्रेस, पत्नी के लिए कौन सा झुमका, सोने का, डायमंड का, जो भी आपको पसंद है उसको लिखिए तो सही। बहुत अच्छा लगे, राइट, क्लियर है? हेलो, यस, एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? यस मैम। ओके, राइट। तो ये सपना लिखना पड़ेगा, लिस्ट बनानी पड़ेगी। डरिएगा मत, शुरू शुरू में डर लगता है, क्यों? क्योंकि कभी किसी ने डायरी पढ़ ली तो लोग हंसी उड़ाएंगे। अरे, आपको कितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली, आप लोगों को बताइए अपना सपना, ताकि वो आपकी ड्यूटी में लग जाए, आपको याद दिलाने के लिए कि भैया तूने लिखा था, तो चाहिए इस दिवाली पे। आ गया क्या? वो आपको याद दिला रहे हैं और आप उनसे डर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि नहीं नहीं मैम, उनको कैसे बता दूं? आप बताइए, वो आपको याद दिला रहे हैं, वो आपके जॉब पे लगे हुए हैं कि भैया तेरे को ये सपना है, तेरा सपना है, तुझे पूरा करना है, तुझे पूरा करना है, तुझे पूरा करना है। और सचिन सर कहते हैं कि आपका जो सफलता है वो सबसे बड़ा जवाब है आपके किसी भी दुश्मन को, या कोई भी ऐसा जो मजाक उड़ा रहा है। कभी भी उनसे मन भेद मत करिए, उनसे नाराज मत होइए कि उसने मेरा मजाक उड़ा दिया। जिस दिन फ्रिज खरीद लो, रेफ्रिजरेटर, मैं नॉर्मल रेफ्रिजरेटर की बात नहीं कर रही हूँ, 4 डोर वाला जो 1.5 लाख का आता है, उस रेफ्रिजरेटर की बात कर रही हूँ, उस वो खरीद लो, तो उस दिन उस दोस्त को जरूर लेके आना जो आपको बार बार याद दिला रहा था। अपने घर लेके आना, उसे ठंडा ठंडा पानी उस फ्रिज का जरूर पिलाना, राइट। तीसरा इंपॉर्टेंट काम करना है हमें, लिस्ट बिल्डिंग, जिससे हमें बहुत लगता है डर, क्योंकि जब हम लोगों के नाम लिखने के लिए कॉपी में निकलते हैं तो हमें लगता है ये तो मोटा है, ये तो पतला है, ये तो पंडित जी है, ये तो महाराज है, ये थोड़ी करेगा। अरे, सारा चीज हम सोच लेंगे तो वो बेचारे क्या सोचेंगे जिनको हम प्लान शो करने वाले हैं। तो कुछ चीजें उनके लिए भी छोड़ दीजिए, राइट। आप सबका नाम लिखिए, जैसे आप अपनी बेटी की शादी में कार्ड बांट रहे हैं तो आपको नाम लिखना है। क्लियर है? तीसरा इंपॉर्टेंट, पहला क्या था? सबसे पहला क्या था? हमें टाइम मैनेज करना है, प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है, प्रायोरिटी मैनेज कर। पायलट दूसरा, ड्रीम बिल्डिंग, ड्रीम की लिस्ट बनानी है। तीसरा, लोगों की लिस्ट बनानी है। चौथा, मैं क्या बता रही हूं कि ये कैसे करना है सिस्टम को, आरसीएम को। चौथा इंपॉर्टेंट काम है, हमें रेगुलर बेसिस पे होम मीटिंग करनी पड़ेगी। आप अपने अपलाइन से समझिए होम मीटिंग कैसे करना है। मैं एक छोटा सा तरीका बताती हूँ,
जो मैं यूजुअली बताती हूँ, और ये बहुत इफेक्टिव है, हमने भी किया है। होम मीटिंग करने से पहले हमें रोज, मतलब हफ्ते में एक बार टी पार्टी करनी है अपने घर पे। टी पार्टी मतलब अपने आस पड़ोस के लोगों को अपने घर पे बुलाइए। उससे पहले हमें थोड़ा सा डिस्प्ले वॉल का सामान हमारे घर पे खरीद के रखना है, कुछ आरसीएम के प्रोडक्ट्स हमारे घर पे खरीद के रखने हैं जो डेली यूज में आते हैं, जैसे हल्दी मिर्ची धनिया व्हाटएवर जो आपके घर में यूज में आते हैं, उसको लाके अपने घर के ड्राइंग रूम में उसको सजा के रखिए। और हफ्ते में एक बार लोगों को अपने घर पे बुलाइए चाय पिलाने के लिए, बस। सिस्टम की कोई बात नहीं करनी है, आरसीएम क्या है कोई बात नहीं करनी है, सिर्फ उनको चाय पिलाने के बहाने घर पे बुलाइए। वो बैठेंगे, चाय पिलाएंगे, भुजिया खिलाएंगे, कभी कभी प्रोटीस के पकोड़े खिला दीजिए। वो जब आपके घर पे आएंगे, पहला काम क्या होगा पता है? एक आपकी छवि बनेगी बहुत अच्छी, कि ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये हमें हर हफ्ते चाय पे बुलाता है। दूसरा, जब आपके घर पे लोग आएंगे और आपके घर पे उस हॉल में बैठाओगे जहां पे डिस्प्ले वॉल बना हुआ है, जहां पे आपके प्रोडक्ट्स डिस्प्लेड है, तो अपने आप लोगों की नजरें जाती है प्रोडक्ट पे। हमने अपने घर पे भी बनाया है, और जितने भी लोग आते हैं सब पहले वहां नजर, अच्छा ये भी रखते हैं आप, ये भी रखते हैं आप, तो अपने आप हमें लोगों से चीजें का ऑर्डर मिलने लग जाता है, लेकिन उसे हमें रखना पड़ेगा। हम लोगों को घर पे बुलाते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे, तो हमारे साथ लोग कनेक्ट होते जाएंगे, प्रोडक्ट भी लेते जाएंगे। कर सकते हैं, ये बहुत आसान काम है। चाय पिलाना हिंदुस्तान में वैसे भी मेहमान नवाजी बहुत अच्छे से की जाती है, तो क्यों ना ये हम करें, और हम अपने आसपास के लोगों को रेगुलर बेसिस पे घर पे इनवाइट करें, जिसकी वजह से वो आए हमारे घर पे। हमारे रिलेशंस, जिनके रिलेशंस बहुत अच्छे होते हैं, वो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। आपको पता है ये रिलेशनशिप का बिजनेस है, सिस्टम है, ये रिलेशनशिप का अभियान है। किसी भी अभियान में काम करने के लिए हमें रिलेशन बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ता है, राइट? तो कर सकते हैं ऐसा, मुझे जवाब यस मैम, चाहिए, यस मैम। मुझे सबका जवाब चाहिए। चैट बॉक्स में कल्पना जी ने तो जवाब दिया अपना, बाकी सबका जवाब चाहिए, लिखिए, क्योंकि हम यहाँ पे बातचीत करने आए हैं। अपनी ताकत को पहचानिए, लिवरेज योर स्ट्रेंथ। जब आप इस सिस्टम में आते हो, जब आप इस अभियान में जुड़े हो, तो आपको अपनी ताकत पहचाननी पड़ेगी। मैं महिलाओं की ज्यादा बात करूंगी क्योंकि मैं उनसे कनेक्ट कर पाती हूँ, और मैं अपनी बातें भी उनके थ्रू बता पाती हूँ। हम महिलाओं की बहुत बड़ी ताकत है, क्या पता है, बातें करने की। हम बहुत जल्दी दोस्ती बना लेते हैं, हम बहुत जल्दी फ्रेंडशिप कर लेते हैं लोगों से। हमारे पड़ोस में कोई नया व्यक्ति आता है तो हमें पहले पता चल जाता है कि उनके घर में कितने लोग हैं, उनके हस्बैंड क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी क्वालिटी है। तो इस क्वालिटी को क्यों ना हम आरसीएम में यूज करें, राइट? आसान है, कोई डिफिकल्ट काम तो नहीं बता रही है, तो आप पहले से करते आ रहे हैं, कर रहे हैं ना। जब पड़ोसी के साथ दोस्ती बहुत ज्यादा जल्दी महिलाओं की हो जाती है, तो इस क्वालिटी को आप भी अपनी टीम में, अपने परिवार में महिलाओं को लेके आइए सिस्टम में। जब आप अपनी महिलाओं को, आज सचिन सर का सफलता का राज क्या है पता है आपको? उनका पूरा परिवार इस सिस्टम में है। सचिन सर के भाई, सचिन सर के साले, सचिन सर के मामा, सब किस में है? आरसीएम में। और ये हम भी कर सकते हैं, बस हमें सबको लाना पड़ेगा इस तरह के प्लेटफॉर्म पे, लेके आइए जूम पे। घर पे इतना आसान है, जूम पे बैठाइए लोगों को, मिलवाइए अपने परिवार को कि क्या है, उनको फेथ में लीजिए। जब तक उनका विश्वास नहीं होगा इस सिस्टम पे, आप बहुत बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। तो अपने परिवार को इन्वॉल्व कीजिए। बहुत डिफिकल्ट काम है क्या घर पे बैठ के जूम अटेंड करना? नो मैम, महीने एक सेमिनार अटेंड करना अपने शहर में, मत जाइए गुपचुप खाने बाहर, सेमिनार में जरूर जाइए। मत जाइए कोई छोटी मोटी पार्टी करने बाहर, सेमिनार में जरूर जाइए। उससे आपका विजन बड़ा होता है, उससे आपके परिवार का विजन बड़ा होता है, राइट? कर राइट मैम, सकते हैं, बहुत यस मैम, डिफिकल्ट, बहुत आसान काम है।
और छठा और बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बिल्ड अ सपोर्ट सिस्टम। क्या करना है आपके साथ जो लोग कनेक्ट हुए हैं उनसे आपके रिलेशंस अच्छे बनाइए, आपके जो अपलाइन है उनसे सपोर्ट लीजिए। हम कभी कभी सोचते हैं सारा ही काम हम कर लेंगे, कभी कभी लोगों का सपोर्ट लेना चाहिए, गाइडेंस लेनी चाहिए, और नहीं मिलता है तो थर्ड पार्टी का अप्रोच लो। कभी कभी लोग बोलते हैं मैम अपलाइन तो है ही नहीं मेरे पास, सेमिनार्स तो है आपके पास एज अ सपोर्ट सिस्टम जो हर महीने हो रहे हैं आपके शहर में, जूम तो है आपके पास, यूईएस का चैनल रेगुलर बेसिस पे आपके लिए सेशंस करवा रहा है। क्यों करवा रहा है? ताकि आप अपने सपनों को हासिल कर सके, राइट? तो इस सिस्टम का सपोर्ट लीजिए ना, टूल्स का सपोर्ट लीजिए ना, जिसको हम लीस्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं टूल्स को। टूल्स क्या? जैसे अभियान की किताब, जैसे अभियान का वीडियो, जैसे टेस्टिमोनियल्स, जैसे प्रोडक्ट्स के कैटलॉग, जैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स के टेस्टिमोनियल्स, इनको यूज कीजिए ना एज अ थर्ड पार्टी। अभी मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, ऑयल की रिपोर्ट बताई, वो क्या है? वो एक टूल है आपका। आप लोगों को दिखाइए कि भैया आप क्या खा रहे हो, देखो चेक करो। किसी का किसी प्रोडक्ट से रिजल्ट आ रहा है तो प्रोडक्ट देखो, इसको ये रिजल्ट आया है, उसका टेस्टिमोनियल बनाओ, उसका वीडियो बनाओ। क्या डिफिकल्ट टास्क है? नो, इट इज नॉट डिफिकल्ट, बट वी हैव टू डू इट। हमें करना पड़ेगा, हमें निकलना पड़ेगा। गर्मी बहुत है, आई नो, बहुत गर्मी है, टेम्परेचर बहुत हाई है, मैम कहाँ निकलेंगे इस गर्मी में? लेकिन साल भर के थपेड़े खाने से अच्छा है कुछ टाइम की मेहनत कर लो। कुछ समय बाद ये 2 साल, 2 से 5 साल बाद ये गर्मी आपको लगने वाली नहीं। और वैसे भी संघर्ष तो रहेगा ना। अमिताभ बच्चन जी ने अपने पिताजी से पूछा था एक बार कि पिताजी जीवन में संघर्ष बड़ा है, उनके पिताजी ने बोला कि बेटा जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। तो हम ये छोटे मोटे संघर्ष से कैसे डर सकते? हम थोड़ी सी गर्मी होती है पसीना आता है मुंह, तेरे बाप रे बहुत गर्मी है मैम, अभी थोड़ी निकल पाऊंगा मैं। अमिताभ बच्चन जी एक बार शूटिंग कर रहे थे अपनी मूवी की, मैं क्यों सुना रही हूँ उनकी स्टोरी पता है? कि ऐसे बहुत इंस्पिरेशंस हमारे पास है लेकिन हमें पता नहीं उनकी स्टोरी। शूटिंग कर रहे थे, बहुत गर्मी का मौसम था, गर्मी में बैठे थे बाहर धूप में ही, और वो अपना प्रिपरेशन कर रहे थे। थोड़ी देर में विनोद खन्ना जी आए उनके पास, और विनोद खन्ना जी ने कहा कि अमित जी आपको गर्मी नहीं लग रही है? इतनी धूप है, आपको पसीना बह रहा है, आपको गर्मी नहीं लग रही है? अमित जी ने कहा ओके, मेरा पसीना है। जेब से रुमाल निकाला, अपना सर पोछा, रुमाल वापस जेब में डाल दिया और एक जवाब दिया विनोद जी को। वो जवाब आप ध्यान से सुनिएगा। अमित जी कहते हैं कि लुक जेंटलमैन, आई एम नॉट अ थर्मामीटर, मैं थर्मामीटर नहीं हूं कि तापमान बताऊं कि कितना है और कितना नहीं है। मैं यहाँ पे काम करने आया हूं, और काम करता हूं तब मुझे ये नहीं पता चलता कि कितनी गर्मी और कितनी ठंडी है। तो हमें कैसे लग सकता है फ्रेंड्स? अभी क्या हमने अमित जी जैसा लग्जरी लाइफ हासिल कर ली है क्या? आज शहनशाह कहा जाता है उन्हें, आज उनकी उम्र 80 साल से ऊपर है, फिर भी उनकी एक्टिविटी देखो। और हम कहते हैं नहीं, अब तो मैम कहाँ 60 में आ गया हूं, अब थोड़ी ये काम करने का, आप क्या बात करते हो, मेरा हो गया जिंदगी जितना जीना था। एक बार आज जाके अपने आप को कमरे में बंद कीजिएगा और अपने आप से पूछिएगा, क्या मेरा परिवार डिजर्व नहीं करता है एक हेल्दी लाइफ? क्या मेरा परिवार डिजर्व नहीं करता है एक स्ट्रेस फ्री लाइफ? क्या मेरा परिवार डिजर्व नहीं करता है एक लग्जरी लाइफ?
अगर इन सबके जवाब आपके ना में आ रहे हो तो मत कीजिएगा। अगर डिजर्व करता है आपका परिवार तो स्वागत है आपका आरसीएम में, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है और ये उन्हीं को मिलती है जिन पे ऊपर वाले की कृपा होती है। तो कल्पना जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज कुछ लोग डिसीजन जरूर लेंगे कि मुझे अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है, और आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज मेरी बातों से किसी ना किसी का दिल तो जरूर छुआ होगा, एक डिसीजन लेके वो अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। और जिस दिन आए तो मुझे जरूर बताइएगा कि उस दिन आपको सुना था मैम, उस दिन डिसीजन लिया और आज ये परिवर्तन आया, तो ये सबसे बड़ी सफलता होगी मेरी। थैंक यू सो मच कल्पना जी।